के। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रायपुर की, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वन मंत्री केदार कश्यप अब संसदीय कार्य मंत्री होंगे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने यह आदेश जारी किया है, जहां ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद में यह पद लंबे समय से खाली था। 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है और साथ ही केदार कश्यप को बधाई भी दी है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कैबिनेट विस्तार टल गया है। देखिए, 17 जुलाई तक कहा जा रहा था कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है, लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि कैबिनेट विस्तार टल गया है। और इसके साथ ही बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केदार कश्यप को एक नई जिम्मेदारी दी गई है, संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको ये भी बता दें कि ब्रजमोहन अग्रवाल, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जो सीट है रायपुर दक्षिण, उससे इस्तीफा दे दिया था, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद से ये जो पद था संसदीय कार्य मंत्री का वो खाली था, और इसी की जिम्मेदारी अब केदार कश्यप को सौंपी गई है। ब्रजमोहन जी सांसद हो गए, उनके पास संसदीय कार्य मंत्रालय था जब वो विधायक थे, तो उनके जगह पर श्री केदार कश्यप जी संसदीय कार्य मंत्री होंगे और जिम्मेदारी संभालेंगे। सर, विस्तार सर क्या भी होगा या फिर? अब उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और उन्हें कल मुख्यमंत्री और सरकार के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी है संसदीय कार्य मंत्री की। हम उनसे ही जानते हैं कि इस जिम्मेदारी को पाकर वो क्या सोचते हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारी मान रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी कल आपको सौंपी गई है। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के योग्य समझा, और मेरी कोशिश होगी कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में विधानसभा का संचालन बेहतर तरीके से करने में उनके सहयोगी के रूप में मैं कार्य कर सकूं। ये तालमेल बिठाना सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जिम्मेदारी आप ही की होगी। इसके कुछ से पहले जो सत्र हुआ बजट सत्र में, आप उस दौरान खुद बैठे थे उसके विपक्ष सत्ता के पक्ष के रूप में, और इस बार अब आप खुद तालमेल बैठाते नजर आएंगे दोनों उसमें। मैं कोशिश करूंगा कि विधानसभा में स्थितियां सौहार्दपूर्ण तरीके से हो और माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में बेहतर तरीके से विधानसभा का कार्य संपादित हो सके, ये कोशिश रहेगी। संसदीय कार्य मंत्री बने और अब आप सीधे कल आपका कैबिनेट रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी हमारे पूरे मंत्रिमंडल के साथ में कल रामलला दर्शन की योजना है, और हम सबका सौभाग्य है कि भगवान राम का मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विशेष प्रार्थना करेंगे आप अपने प्रदेश के लिए? प्रदेश में अभी अवर्षा की स्थिति है, और उसके चलते हमारी प्रार्थना है कि भगवान राम का ये वनगमन क्षेत्र रहा है, और यहाँ पर वनों प्रदेश में तीसरा स्थान है हमारे छत्तीसगढ़ को, ज्यादा से ज्यादा बारिश हो, हमारे यहाँ के किसान समृद्ध हो, उन्नति करें। ये आखिरी सवाल, दीपक बैज को आज उनके कार्यकाल का एक साल पूरा हो गया, दो बड़ी हार उनके कार्यकाल के दौरान रही है, कैसे देख रहे हैं पार्टी के लिए कितना सही रहे दीपक बैज साल भर के? दीपक बैज को हार्दिक शुभकामना है, बधाई है, हमारी उससे शुभकामना है कि वो अगले विधानसभा लोकसभा तक वो इस दायित्व को निर्वहन करें। कैमरामैन योगेश के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज़, रायपुर।